अरे हमारी नाक कटवा रहे थे, बस 300 रुपए लेके आए तो शर्म नहीं आती भैया? वो मैं मतलब आप चुप रहिए ना, इसे तो कोई काम धंधा तो है नहीं, बेकार का घूमता रहता है। अरे राजेश भाई, इसने तो दुनिया में हमारी नाक ही कटवा रखी है बुरी तरीके से, इसे कुछ काम धंधा तो है नहीं, जब देखो ठलवा घूमता रहता है। अजी छोड़ो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, इसका तो रोज का काम है। कैसे रुक के मचा रखे है भैया तुमने, अरे हमें तो बिल्कुल ही हद होगी तुमसे तो। राहुल बेटा क्या बात है? माँ मेरा एक्सीडेंट होगा, मेरी साइकिल खराब होगी, मैंने इनके दोस्त से 300 रुपए ले लिए, वो तो अच्छा मेरे चोट ना लगी। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इनके थारा बाप भी मार पड़ा और बस तुम्हें तो रुक के मचाने से मतलब, अभी लौटे हैं वे, रोल मत मचाओ, चल बेटा तू अंदर चल। दीदी अभी सपना दीदी भी नहीं आई है, राखी बांधने का टाइम भी हो गया। अभी तो आई ना। ये सपना भी नहीं आई, सुबह से भूख लग गया, पेट में चूहे कूद रहे। अरे सपना आए तो राखी बंधवा लेते। अरे वो आ गई सपना। अरे राहुल के बांधिया पहुंची। अरे भैया रहन दो, इतनी बार तो आ चुकी हूँ, कभी मिलता है वो घर में? निठल्ला घूमता रहता है सारे दिन बाहर, और वैसे भी राखी बांध के तो उसे कोई फायदा है नहीं, एक रुपए तो है ना उसके जेब में, क्या जाऊँ और क्या देगा वो, तुम तो रहन दो, वो तो नाम का भैया है। दीदी सही कह रही हो। छोड़ो आप बताओ। अरे कविता कहाँ है भगवान, खाना दे दो, ऑफिस को देर हो रही है। ला रही हूँ। अरे प्रीति मेरे लिए भी खाना बना ले गया, मैं भी लेट हो रहा हूँ जरा काम पे जाने के लिए। अरे ले आई खाना? हाँ ये लो। निठल्ला आ गया। भाभी मेरे लिए भी रोटी पैक कर देना। हाँ घर घर पे तो जाना नहीं है, खाना बाद में दे दीजिए। कौन से दफ्तर पे जावे, रोटी बना के दे मैं हम। अरे इनसे क्यों मांग रहा रोटी, इनके तिलातार में सारे देख रही हूँ, ये तुझे रोटी दे रही है, इतने मैं जिंदी बैठी हूँ, तू रोटी की टेंशन बिल्कुल मत ले, तू चल के बैठ, मैं अब लाई रोटी बना के। चलो दीदी करता ना डरता, रोटी मांगने आ जावे। सोनी कैसे खड़ी है? भाई पेपर देने जाना, तक बस नहीं आई, परेशान हो रही हूँ मैं। पेपर देने जाना? हाँ जी। तो मेरी गैल साइकिल बैठ, मैं छोड़ के आता हूँ। चला।
दीदी बुढ़े बुढ़िया ना राहुल की तरफ रहे मैं। हाँ पिंकी तो सही कर रही है। ऐसा ना हो बुढ़े बुढ़िया ना सारी जायदाद उसे दे दे। पिंकी तो सही कर रही है। दीदी तुम जेठ जी को समझाओ, मैं तुम्हारे देवर को समझाती हूँ। कर रही है तू। आलिया भैया। हाँ माँ। मिल गई क्या नौकरी? माँ कहीं नौकरी न मिली, नू कह रहे थे बताएंगे, बहुत जगह गया कहीं काम नहीं मिला। चल तू चिंता मत कर, तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, मैं दवाई की कह रही ही। चल मैं राजेश से बात करूँ। बिल्कुल चिंता मत कर, चल तू अंदर चल, मैं राजेश से बात करूँ पैसे की। अरे भैया मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। माँ मेरे पास तो पैसे वैसे है ना। तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, उनकी दवाई लानी है, कुछ तो मेरे पे पड़े, कुछ तू दे दे। मैंने उसकी चीज बनवाई, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं मेरे पे। तो चीज के लिए पैसे आ गए तेरे पे, और तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, उसके लिए पैसे ना आ रहे। माँ मेरे पे तो है ना, हो सके तो राजकुमार से पता कर ले। अरे ले तो मैं लूंगी खैर, और दवाई भी मैं मंगा लूंगी, पर तुमने तो हद कर दी बिल्कुल, खैने गढ़वा लो तुम। सुनो जी मेरा ना शिमला घूमने का मन कर रहा है, शिमला चलते हैं। तुझे पता है शिमला घूमने में पूरे 10,000 रुपए लगते हैं? तो क्या हुआ? बस मेरे पास तो 5,000 है। अरे बैठ जा। अरे मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, दवाई लानी है उनकी। माँ वो मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे ना है? अरे उससे मांग लिया, वो कह रहा मैंने बहू के गहने गड़वा लिए। फिर से मांग रही हूँ, तू कह रहा मेरे पे 5 पैसे ना है। अरे उन्होंने पढ़ा लिखा के तुम्हें इतना पढ़ाया, तुम्हें बना दिया, तो मैं दोनों भैया को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, और तुम कह रहे हो पैसे नहीं है, दवाई के लिए भी पैसे ना निकाल रहे तुम पे। चूल्हों पर पानी में डूब के मर जाओ दोनों भैया। अच्छा अरे तुम सब इसके चढ़ाए भाई बोल रहे हो, इनके बोल बोल रहे हो। राजेश से पैसे मांगे हैं तो तू कह रहा मैंने तो बहू का हार बनवा लिया। राजकुमार से पैसे मांगे हैं तो तू कह रहा हम तो शिमला जा रहे हैं घूमने। इस दिन के लिए बड़ा कराता इन्हें, इनके पैरों पर खड़ा कर दिया, जो आज दवाई को भी पैसे ना लिखा रहे इन पे। देखो दीदी नौकरी तो मिलेगी नहीं, घास ही खो देगा ये। घास यारा है, करेगा क्या? चलो दीदी चलो। सुनो जी ऐसा ना हो कि बुढ़ा बुढ़िया राहुल के नाम से लिखते हैं, और आप चुपचाप बैठी रह जाओ। ना ना मैं देखता हूँ जाके। सुनते हो मुझे तो ना कुछ घर में गड़बड़ लगती है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसा ना हो राहुल का लिख जा और मैं चुपचाप बैठी रह जाऊँ। ऐसा नहीं होगा। तो कुछ करते क्यों नहीं हो? करूँगा उससे बात। देखती हूँ। फिर हाथ बनते रह जाओगे, सब कुछ राहुल के नाम करवा देंगे। चिंता मत करे, समझाना पड़ेगा बुढ़िया बुढ़े को। लो केला खाओ, राहुल लाया था कल। मेरी माँ मेरी जेब में पैसे ढूंढ, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? हाँ प्रिया और बेटा ठीक है? अच्छा अच्छा और विक्रम भी ठीक है? अच्छा हॉस्टल से आ रहे हो आज? अच्छा बेटा देखभाल का ना माहौल बहुत खराब है आज के टाइम में। अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बच्चे आ रहे हैं आज हॉस्टल से। अच्छा अच्छा तो बच्चों का मन पसंद खाना बना देती हूँ। हाँ खाना बनाओ उनकी मन पसंद का। राहुल बेटा तू आ गया? हाँ माँ, ले दवाई के पैसे। ये कहाँ से पैसे लाया तू?
नजर से मत चुराओ, मुझे सच बता दे, तुझे मेरी कसम है, सच बात बता दे, कहां से पैसे लाया? माँ, ये पैसे मैं खून बेच के लाया हूँ। अरे मेरे बच्चे, तुझे क्या जरूरत थी खून बेचने की? माँ, इस दुनिया में मेरे पिताजी से बढ़कर कोई नहीं है। पिताजी, तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं हूं। चिंता मत करे तू। अरे सोनी, तू कैसे? मैं पास हो गई। रिजल्ट आ गया है क्या? हाँ जी, वो भी आपकी वजह से। वो कैसा? अगर उस दिन मुझे टाइम पे नहीं मिलते ना, तो मैं पेपर नहीं दे पाती। उस दिन मुझे लेके गए साइकिल पे। अरे ये तो तन्ने बहुत बढ़िया काम करा भैया। ले, सबसे पहले तू खा। ले माँ, तू भी खा। Thank you.
के बात है के ले हो पानी। तेरे कलेजे में ठंडक? इसमें मैंने गलत क्या बोल दिया? अच्छी तो बात कही है मैंने। अच्छी तो सारी कह रहे। अरे हिस्सा बंटवा के थारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी? बंटवारा हो जाएगा, कौन सा इसमें पार्ट टूट जाएगा, दुनिया के हूँ मैं। अच्छा ज्यादा मत बोल ले तू, तेरी बड़ी कतरनी सी जवान चला आयो। मेरे बेटो में दरार गिरवा के तेरे तसल्ली हो जाएगी। मेरे घर वाला कमावे और वो मोह जुड़ावे। ते के मोह जुड़ा ले? थारे खसम को मैंने पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना दिया, अब ना पढ़ा तो उसकी तब मजाक उड़ाओगे। तेरी बहुत कतरनी सी जुबान चला आई लतर लतर। अच्छी है, ज्यादा मत बोल कर। माँ तुम जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। तेरा बड़ा दिमाग खराब होवे? काम वहाँ कुछ करता नहीं है, जा डूब के मर जा कहीं। काम हम तो करते नहीं हो, बेकार के फालतू टाइम पास करते हो। आज तुझे काम ना मिला ना तो अपनी शक्ल में दिखेगी, चल जा निकल जा यहाँ से। नवाब को काम ना मिलता, दुनिया काम कर रही है। काम वाम कुछ करता नहीं है, आज तुझे काम ना मिला ना तो अपनी शक्ल में दिखेगी, चल निकल जा यहाँ से। किसी के साथ नवाब काम काम करता, दुनिया क्या काम कर रही है। काम वाम कुछ करता नहीं है, मारने की दवाई ले लो। भैया ये कैसे दिए? भैया 10 रुपए की एक पूड़ी।
माँ बंटवारा तो होकर रहेगा। हाँ बंटवारा होकर रहेगा। 10 बीघे जमीन है, 5 इसकी 5 मेरी। तो इस मकान का क्या होगा? एक कमरा दे देंगे, बाकी हमारा है। बहुत बढ़िया। अरे जहाँ से तुमने जन्म लिया उसने भी वहीं से लिया, तीसरे ने भी। ऐसा कैसे दोबारा फोन दूंगे? तुम तो अपना आप ही हिस्से करके बैठ गए। इस घर में हम तो पागल ही हैं। तुमने तो हद कर दी बिल्कुल ही। अरे खून बेच के अपने बाप की दवाई लाया हो। तुमसे दोनों से पैसे मांग लिए, तुम पे 500-500 रुपए भी ना निकले। अरे तू कहाँ जा रहा राहुल? यहाँ तो हिस्सा बटन लग रहा, तू बाहर को भाग रहा। यहाँ बैठ, तुम बात ना करो कतई भी, बराबर करूंगी तीनों को। लेना हो ले लो, ना तो निकल के लंबे हो लो। माँ फालतू मत बोले, जो कह दिया होएगा। सुन ले माँ, इसे एक कमरे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। ठीक है भैया, मुझे तुम्हारी सारी बात मंजूर है। जो भी मेरे हिस्से में तुमने मुझे कुछ भी दिया है, वो मैंने अपनी सपना बहन के नाम कर दिया। राहुल बहन, भाई, मैं तेरे बारे में क्या सोचती थी और तू मेरे बारे में क्या सोचता था भाई? तूने अपने हिस्से का सब कुछ मुझे दे दिया, मुझे माफ कर दे भाई। किसे चाहिए जमीन जायदाद बताओ? किसे और कितने चाहिए जमीन जायदाद बताओ? राहुल भाई हमें माफ कर देगा। अरे भैया तुमने मेरी बात ना माननी, अच्छे चल तुमने सपना की मान ली, कमाल पे लाई तो सही। एक साथ ही रहने में फायदा है भैया, एक साथ रहेंगे और अपने दुख सुख बांटेंगे। बंदी मुट्टी बंदी और खुली खुली हो, मिलजुल कर रहेंगे तो जब अच्छा लगेगा। राहुल भाई हमें भी माफ कर देना। देवन जी हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई। माफ पिताजी, तुम भी हमें माफ कर देना, गलती हो गई पिताजी, माफ कर देना। अभी भी कुछ ना बिगड़ा, तीनों भैया मिलकर आए हो। राहुल भाई हमें भी माफ कर दो।